नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार 9 अक्टूबर को भीमा कोरेगांव मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुंबई की अदालत में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में जिन लोगों के नाम हैं वो है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू, कबीर कला मंच के 3 कलाकार सागर गोरखे, रमेश गाइछोर और उनकी पत्नी ज्योति जगताप। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी और मिलिंद तेलतुंबड़े का नाम है। कौन कब गिरफ्तार किए गए? एनआईए के मुताबिक प्रोफेसर हानी बाबू नक्सल गतिविधियों और नक्सली विचारधारा का लगातार समर्थन कर रहे थे। बाबू को इसी साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद एनआईए ने गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार किया था। एनआईए की चार्जशीट में शामिल गौतम नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसी साल अप्रैल महीने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सामने आत्मसमर्पण किया था। गाइछोर, जगताप और गोरखे को सितंबर के शुरू में गिरफ्तार किया गया था। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अलावा कड़े गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं 83 साल के झारखंड बेस्ड सामाजिक कार्यकर्ता स्टेन स्वामी, जिन्हें गुरुवार 8 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें रांची से मुंबई लाया गया और शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 23 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्हें तलोजा केंद्रीय जेल में रखा जाएगा। क्या है पूरा मामला? महाराष्ट्र में पुणे के भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को दलित समुदाय के लोगों का एक कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान हिंसा हुई। भीड़ ने तमाम वाहन जला दिए थे। दुकानों मकानों में तोड़फोड़ की गई थी। हिंसा में एक शख्स की मौत हुई, कई लोग जख्मी हो गए। इल्जाम लगा कि महाराष्ट्र की अगड़ी जातियों के लोगों ने जलसे पर हमला किया। इसके बाद पुणे और आसपास के इलाकों में दलित गुटों के प्रदर्शन हुए, जिस दौरान हिंसा हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस की थ्योरी थी कि 1 जनवरी 2018 से शुरू हुई हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। इसके तहत भीमा कोरेगांव में 31 दिसंबर 2017 को यलगार परिषद की एक बैठक हुई। इसी बैठक में दिए भाषणों के चलते हिंसा हुई। परिषद से संबंध में आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुणे पुलिस ने 2 साल इस मामले की जांच की। इसके बाद इसी साल जनवरी में केस एनआईए को सौंप दिया गया। इस एजेंसी ने दावा किया कि आरोपियों के लैपटॉप और कंप्यूटर से लेटर और अन्य डॉक्यूमेंट मिले, जिससे पता चलता है कि उनका संबंध बैन किए गए ग्रुप से है। वहीं जिन आरोपियों पर माओवादी से लिंक का आरोप लगा, उन्होंने इससे इनकार किया। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉक पर सेहत सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।